भाजपा किसान मोर्चा ने धान खरीदी की समय अवधि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर दुर्ग जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपा किसान मोर्चा ने असमय हुई वर्षा से परेशान किसानों की समस्याओं को लेकर मंगलवार को दुर्ग जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष निश्चय वाजपेयी ने कहा कि असमय वर्षा के चलते प्रदेश व जिले में धान खरीदी प्रभावित हुई है, जिसे देखते हुए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समय अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने टोकन की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 करने की भी मांग रखी। भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने बेमौसम हुई बरसात में हुए नुकसान के लिए किसानों को शीघ्र मुआवजा प्रदान करने की मांग की। दुर्ग जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपा किसान मोर्चा के सदस्य बड़ी संख्या में इस दौरान मौजूद रहे। इस संबंध में किसान मोर्चा भिलाई के पदाधिकारियों व प्रभारी मूलचंद शर्मा ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। इस बार दो बार बारिश हुई, किसानों का धान बिका नहीं, सोसाइटियों में धान बंद हो गया, खरीदी करना जाम हो गया है धान, इसलिए बहुत सारा धान बिक नहीं पाया है। हम लोग यहाँ पे आए थे ज्ञापन देने के लिए कि समय अवधि को 1 महीना बढ़ाया जाए। टोकन की संख्या 3 है जो निर्धारित है, क्योंकि अब बारिश के समय बहुत सारे किसानों के टोकन खराब हो गए, तो टोकनों की संख्या बढ़ाई जाए। और इसके साथ साथ जो बारिश में फसल का नुकसान हुआ है किसान को, उसमें मुआवजा दिया जाए। और इन सभी तमाम बातों को लेकर के हम लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। जो है 4 सूत्री मांग है। पहला मांग है जो पूरे प्रदेश में धान खरीदी का जो सरकार ने निर्णय लिया था, एक तो 1 महीना लेट निर्णय लिया है, और आज की स्थिति ये है कि आज मुश्किल से 9 से 10 दिन का समय बचा हुआ है, लेकिन इन परिस्थितियों में सरकार ने पूर्ण रूप से धान खरीदी नहीं की है। और दूसरा, बेमौसम बरसात की वजह से जो फसलों को नुकसान हुआ है, और रबी फसल के संदर्भ में भी जो नुकसान हुआ है, और साग सब्जी जितने भी फलोद्यान को भी नुकसान हुआ है, इसका सर्वे का सरकार ने आदेश तो दे दिया है, लेकिन पर्याप्त रूप से मौके पर उसका सर्वे नहीं हुआ है। आज किसान काफ़ी परेशान है, और चालू वर्ष रबी की फसल जो है उसमें आज खाद जो डालना चाहिए था, आज खाद की भारी किल्लत है, खाद नहीं मिल पा रहा है, DAP नहीं मिल पा रहा है, यूरिया नहीं मिल पा रहा है, काफ़ी किसान भटक रहे हैं। उनके अलावा सरकार का जो कथनी और करने में काफ़ी अंतर है। भूपेश की सरकार कह रही है हम किसानों का हित की बात कर रहे हैं, इधर हमारे साझा क्षेत्र से मैं आता हूँ, हमारे कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे का कहना है कि पूर्ण रूप से किसी प्रकार को किसान को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। लेकिन बड़े दुख की बात है, कृषि मंत्री प्रदेश स्तर की बात जरूर करते हैं, लेकिन उनके क्षेत्र की हाल क्या है, उनके क्षेत्र का बेहाल है, और किसान काफ़ी भयभीत है। किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, बीज नहीं मिल पा रहा है, खाद की फसल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, और यहाँ तक कि जो गोधन न्याय योजना इन्होंने चलाया है, आज गौठानों में गैया मर रही है, उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस प्रकार रविन्द्र चौबे जी का जो स्टेटमेंट है, इसका मैं खंडन करता हूँ। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि रविन्द्र चौबे के क्षेत्र में आज काम रुके हुए हैं, किसी प्रकार का काम नहीं हो पा रहा है, विकास कार्य ठप हो रहा है, मात्र अखबारबाजी बयानबाजी से रविन्द्र चौबे क्षेत्र की जनता को गुमराह कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, और भूपेश सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है। इन सब बिंदुओं को लेकर आज भारतीय हमारे जो किसान संगठन के द्वारा हमारे जिला अध्यक्ष जी राम किलावन साहू जी है, वाजपेयी जी है, नेटवर्क ताम्रकार महामंत्री ईश्वर पटेल जी है, और जितने भी लोग आज आए हुए हैं, हम इस बात को स्पर्श में शासन को चेताना चाहते हैं कि किसी भी हालत में किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर प्रदेश की किसान के साथ अगर सरकार अन्याय करती है, तो हम इसका तीव्र विरोध करते हैं। और बड़े दुख की बात है, आज हम कलेक्टर महोदय से मिले, किसान के संबंध में धान जराई हो गया है, उसका धान नहीं खरीद रहे तहसीलदार, और इस पर जब, लेकिन कलेक्टर साहब का जो दुर्व्यवहार है बिल्कुल हमको उचित नहीं लगा है। सरकार के एजेंट के रूप में सरकारी अधिकारी काम न करे, जनता की सेवा करें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी ईंट सीट बजाने तैयार। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।